Listen, Mr. Sumit Dubey. Now you see what can I do. आप सीधे पुलिस स्टेशन में मिलना, मैं केस करूँगी। तुम लोग का शूट चालू है इधर की? तुम लोग कुछ हुआ? हम लोग का तो आ गया। अच्छा उधर चलते हैं। हो गया। उधर चल। आओ खुशी। बंद कर दो आप भाई, बंद कर दो। हमारा चालू है हमारा वाला इधर। तो एक तो साला इधर हम लोग का ये अड्डा है, उधर देखो कपल आके बैठने लगे। हाँ अरे मत दिखा भाई। अरे कपल है भाई वो लोग। कल को ऊपर में लड़ाई हो गई है लग रहा है। तो मैं कुछ बोलूं? अरे रुक जाओ, पहले चमक रहा है अभी इधर आँख मेरा। हम लोग का वो हो गया यार, इमोशनल वाला सही जा रहा था सबका। हाँ लेकिन ना गुस्से वाला जो है थोड़ा दिक्कत आ रही है खुशी वाले पे। गुस्से वाला आओ इधर पास आओ। सो गाइस आज जो है ना यहाँ पे सीख रहे हैं हम लोग एक्टिंग सीख रहे हैं। तो बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे छोटी छोटी बना के उस पर सीख रहे हैं। तो ये लोग मालूम नहीं आगे मुझे प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग का अभी इमोशनल का तो सबका अच्छा बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन गुस्से वाला इसका तो वो पहले से गुस्से जैसा बना रहता है। गुस्से वाला बताऊँ, गुस्से ना बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, हमारे साथ आज जूही हैं और के सौरभ, नितेश, खुशी, सुमित, उधर है आयुष। तो गुस्से का जैसा है अभी आप लोगों को बताता हूँ। गुस्से जैसे कोई भी एक्ट करते हो, एक्टिंग करते हो, तो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे गुस्सा करोगे ना, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा टाइप का होगा। अगर आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, और कार से कोई आदमी ठोक दिया आपको, तो वहाँ आपका एक गुस्सा होगा। और आप कार से हो और बाइक वाले ठोका, वहाँ पे गुस्सा आपका दूसरा होगा। ठीक है, तो ये बताओ, ये तुम इधर आओ। तो मुंबई में, सॉरी मुंबई कह रहा हूँ, दिल्ली में सीख रहे थे ना। तो तुमको ये बताना है, अगर आप बाइक से जा रहे हो, आप लोग ही बताओ कमेंट करके, अगर आप बाइक से जा रहे हो और सामने वाला कार से आप लोगों की टक्कर हो जाती है, पीछे से उसने ठोक दिया आपको, तो आपका गुस्सा तब ज़्यादा होगा या फिर आप कार से हो वो बाइक वाले ने ठोक दिया तब ज़्यादा होगा? दोनों में आप किससे रहोगे तो ज़्यादा होगा? मैं कार से रहूँगा और बाइक वाले ने ठोका वो तो ज़्यादा गुस्सा रहेगा। अच्छा, क्योंकि नुकसान ज़्यादा रहेगा। आप बताओ। जब मैं बाइक से होंगी और कार वाला ठोकेगा तब मैं। अच्छा, बाइक से रहोगी तब गुस्सा ज़्यादा होगा आपका? मेरे हिसाब से क्या, बाइक से रहूँगा चोट लगी मुझे तब तो मैं टूट दूंगा भाई कार वाले को। आपका? कार से रहेंगे तब, बाइक वाला आके ठोकेगा तब ज़्यादा गुस्सा रहेगा। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आप रियल में क्या हो रहा है वो हमसे मतलब नहीं। अभी हम लोग एक्टिंग में गुस्से हुए हैं, तो जैसे ही इन्होंने बताया इनका सही है, तो आपके मन में क्या गुस्सा आता है हमको उससे मतलब नहीं है। आप एक्सप्रेस क्या हो, सॉरी दिखाओगे क्या वहाँ पे, ठीक है, उसमें। अगर आप बाइक से हो ना तो गुस्सा तो आपको बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर आप एक्ट प्ले करोगे तो आप दिखा नहीं पाओगे। ठीक है, जो कार वाला रहेगा वो आप पे चिल्लाएगा, चीखेगा, वहाँ पे आप ज़्यादा गुस्सा दिखेगा। और साइकिल वाला है, बाइक वाला है, अंदर क्या है आपको उससे क्या मतलब, आप एक्टिंग कर रहे हो तो उसमें क्या दिखेगा, तो वहाँ पे गुस्सा आपका अलग होगा। आप मार्केट जाते हो अपने, आपके साथ जो है कोई आपकी बहन है, ठीक है, कोई है, उसको किसी ने छेड़ दिया, उसमें आपका गुस्से का लेवल और ज़्यादा होगा। आपके फैमिली मेम्बर को किसी ने मार दिया जान से, तो रिवेंज का गुस्सा कुछ अलग टाइप का होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे गुस्से रहेंगे। मैंने किसी को बता दिया क्या यही एग्रीमेंट वाला? क्या है ये सब? क्या है मतलब, क्या है ये सब? क्या ये बोल रहा है आप, एग्रीमेंट पार्टी क्यों खड़े? अभी जो पहले सीख रही हो सीख लो। मुझे नहीं सीखना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अभी तो नहीं कर पा रही हो, लेकिन हो सकता है अपना चैनल बनाओ या फिर कहीं दूसरे चैनल पर काम करो या खुद का बनाओ, तो तुमको जरूरत पड़ेगी, इस सीखी रहोगे। आप बात ना बताइए, आप मुझे बताइए एग्रीमेंट क्यों फाड़े? एग्रीमेंट क्यों फाड़े इसका जवाब दीजिए। नितेश से बात करो इसके लिए, मुझसे कोई बात मत करो। वो बोल रहा है आपसे बात करो, उसको कुछ पता नहीं है। नहीं तो सौरभ से बात करो, या तो फिर हम, अगर सही में बात करनी है अगर तुमको, तो हम सबको छोड़ो इससे बात करो। अभी हमको ये लीड कर रही है जूही। पेपर किसने फाड़ा है? आपने ना? जूही ने फाड़वा। आप जवाब देंगे? जूही। सुमित आपने जो मुझे कल सिखाया वो मैंने कर लिया है, चलिए आयो बताती हूँ। अरे बात बताना, अभी यहाँ झगड़े चल रहा है और ये कि... आपको अभी बताना है, मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। सीखो कुछ, मैंने इसको रात को कुछ सिखाया है और ये अभी सीख गए। और तुम्हारा देखो, फालतू बात करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो हमारा भी कोई मूड नहीं है, सो प्लीज हम लोग अभी काम करने आए हैं। तो कैसे पेपर मुझे कर सकते हैं यार आप, जब बात हुई है साथ में
करने की, तो ऐसे बीच में जब आपका मन, तो पहले आपको बता दूं क्योंकि हमको आपके साथ काम नहीं करना है। नहीं करना है, पहले आपका एक टाइम लिमिट है, अभी मजाक से हट के बता रहा हूँ हमको, 6 बजे 7 बजे हम लोग का शूट लेट नाइट तक चलेगा। अभी आगे से हम लोग ने प्लान बनाया और तुम्हारा है भाई जल्दी जाना है, मम्मी का फोन आ रहा है, होम मिनिस्टर का फोन आ रहा है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जब नहीं, अभी एक मिनट, जब स्टार्टिंग में बात हुई तो अभी मैंने टाइम का बताया था कि मैं इतने देर तक ही रह सकती हूँ, तब तो आप लोग ने बोला हाँ ठीक है, तब तो राजी थे, तो अब क्या दिक्कत आने लगी? दिक्कत जब आने लगी तो हमने आपको बताया भाई कि तो हमारा दिक्कत नहीं, और हमको मालूम है, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है, अभी आप लोग एडजस्ट, इनसे बात हो गई है, ये इनका बहुत लेट तक भी रुकेंगी, रात तक भी रुकेंगी, अगले दिन भी शूट करेंगे, हम लोग बाहर जाके आउट शूट करेंगे, किधर भी जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इनको, तो हमको ऐसी चाहिए थी। ये देखो कितनी मस्त लड़की है ये, तो ऐसा फालतू बात मत करिए मुझसे, ऐसे नहीं पेपर फाड़ सकते, गलत कर रहे हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, समझ में आया? चलो तो सुनो, पहले सुनो, अभी आप लोगों ने गुस्से का सुना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पागल हूँ बोल रही हूँ, अपना वीडियो करने में लगे हो तुम लोग, एक्सक्यूज मी आई एम बिजी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सो गाइस, ओ हेलो, लिसन मिस्टर सुमित दुबे, नाउ यू सी व्हाट कैन आई डू, चलो सौरभ। ओ क्या सी, ये अंग्रेजी पहले रुको इधर, तुमको ये अंग्रेजी किसने बताया बोलने को, अंग्रेजी बोल रही है, ये बताओ तुमको ये इंग्लिश कौन बताया था? अरे जल्दी चलो भाई, मुझे घर छोड़ो, पहले ये बताओ तुमको इतनी इंग्लिश कौन सिखाया बोलने के लिए, कौन सिखाया बोलने, देखो मैं क्या करती हूँ, बात मत करो मुझसे, क्या दिखाओगी, हाँ कुछ नहीं कर पाओगी तुम, पंगा लिया ना, देखो आप सीधे पुलिस स्टेशन में मिलना, मैं केस करूंगी, पुलिस स्टेशन में मिलना, अरे जा जा, देख लो, क्या देख लो, बहुत महंगा पड़ेगा, मुझसे पंगा लेना, अरे पंगा नहीं ले रहे यार, देखो जो हमको नहीं जम रहा है तुम क्या करें, और सुनो सुनो, हेलो हेलो ये सब सुनो, हेलो मैडम, देखो मैं नॉर्मल, देखो ये मेरे पापा को ना कचहरी में, अब देखो मैं क्या करूं, फालतू बकवास मत करो, चलो यार बैठो, यहाँ पे कैमरा ऑन है, फालतू बकवास हमसे करो मत, ठीक है, मुझे ये ज्यादा भी नहीं बकवास करने का, ये ज्यादा सुनो, चलो पुलिस पुलिस की क्या धमकी दे रही हो, इधर रुको इधर रुको, पुलिस स्टेशन, इधर रुको, पुलिस स्टेशन में ही मिलोगे, आ जाना फोन आएगा, यार आप पूरे गांव में, चलो नहीं चला पाओ, क्या करें, चलो भाई तो देख लेना, इधर इधर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, अरे हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, ये पुलिस पुलिस की धमकी दे रही है यार, मजाक आपस में कर रहे हैं, उसको भी हो सकता है समझ आया हो या नहीं आया हो, लेकिन ये क्या बात है कि आप ये बताओ कि पुलिस स्टेशन, यार बहुत पुलिस स्टेशन बोल के लिए यार ऐसे, मतलब दिखा दे क्या अभी अच्छे से इनको, हम ओवर हो गया, जास्ती हो गया ये, नहीं तो कितने दिन काम किया साथ में और सीधा डायरेक्ट, नहीं अरे यार ये पुलिस स्टेशन की धमकी क्या दे रही हैं, पापा कचहरी में है तो कचहरी में क्या, बंद करो फिर बताता हूँ, वो हो गया यार, करवा दे क्या अभी उल्टा, हम ही अभी पड़े क्या, छोड़िए छोड़ो अभी, चलो जो ये हम लोग तो घूमते हैं यार, नहीं तो क्या छोड़ो, इसका फोन नहीं करना आपको, समझे, कोई फ़ोन भी मत करना, आओ बैठो, ए बंद करो बैठो, अब फ़ोन कोई मत करना, अब इसको ना अच्छे सबक सिखाएंगे,